हेलो दोस्तों, जियो गुरु जी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपवाह तंत्र। आज का जो टॉपिक है, राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। तो मतलब आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान की झीलों से संबंधित है। हमारे राजस्थान में कई तरह की झीलें हैं। दो तरह की झीलें होती है, एक खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें, जो कि जल की प्रकृति के आधार पर बटा हुआ है। तो आज हमारा जो बिंदु होगा वो झील होगा, जिसमें हम खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेंगे अपन। राजस्थान का अपवाह तंत्र और राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत बिंदु है अपना राजस्थान की प्रमुख झीलें। ठीक है, देखिए, अगर हम राजस्थान की झीलों की बात करें तो झीलों के अंदर जो पानी है उस पानी की एक प्रकृति है, और उस प्रकृति के आधार पर राजस्थान की जो झीलें हैं वो दो प्रकार में बांटी गई है। ठीक है, वो कौन कौन सी है सामने देख लेंगे। लिखेंगे राजस्थान की झीलों के पानी को उनकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? पानी जो जल है उसकी प्रकृति के आधार पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि झील जो होती है वो दो प्रकार की होती है, उनकी प्रकृति के आधार पर। देखिए, सबसे पहली जो झील की बात करें, ये झील होती है खारे पानी की झीलें। ठीक है, खारे पानी की झीलें। एक झील होती है मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। ठीक है, ये दो प्रकार की झील होती है, और जो भी किस आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर इसका डिवाइडेशन है। किसका? झीलों का। अब मैं बात करता हूं खारे पानी की झीलों के बारे में, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, इन झीलों का खारा पान या खारे पानी का होना क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये झीलें खारी है, उसका कारण लिख देता हूं मैं यहां पर। देखिए, ये जो खारे पानी की झीलें हैं उसका मुख्य कारण ये है कि जहां पर भी ये झीलें उपस्थित है वहां पर 33 सागर के अवशेष मौजूद है। हमारा राजस्थान जो है वो 33 सागर पर मौजूद है। तो खारे पानी की झीलें जो है उसका कारण क्या है? 33 सागर के अवशेष बोल दीजिए। ठीक है, जहां पर ये झीलें मौजूद है वहां पर खारा पानी होगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि भाई देखो, सागर है, सागर का पानी जो होता है वो खारा था, जैसे जैसे पानी सूखा तो जमीन तो खारी रहनी है, तो वहां पर उपस्थित जो पानी है वो भी कैसा होगा? खारा होगा। तो खारे पानी की झीलों का कारण 33 सागर के अवशेष है, उसी के ऊपर खारे पानी की झीलें। सर्वाधिक कहां पर मिलेगी आपको, सुन लीजिए, सर्वाधिक जो ये झीलें हैं वो आपको मिलती है नागौर के अंदर। कहां पर मिलेगी? नागौर में। क्लियर, चले आ जाइए मीठे पानी की झीलों की बात कर लेते हैं। मीठे पानी की झीलों का कारण बता देते हैं हम, वो कारण है वर्षा का जल। ठीक है, वर्षा का जल कैसा होता है? मीठा। हम इसको ताजे जल स्रोत भी कह सकते हैं, ताजे जल स्रोत। और ये झीलें जो होती है वो इन्हीं वर्षा जल या ताजे जल स्रोतों पर निर्भर होती है। ठीक है, लिख देंगे निर्भर। ठीक है, अब ये कहां पर है सर्वाधिक, तो मैं बता दूं आपको, लिख देता हूं यहां पे मैं, सर्वाधिक स्थिति जो है उदयपुर में आपको ये मिलेगी। कहां पे मिलेगी? उदयपुर में। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया खारे पानी की झील और मीठे पानी की झीलें, उनका कारण मैंने बता दिया, और सर्वाधिक कहां पर है? खारे पानी की झील नागौर में है और मीठे पानी की झीलें उदयपुर में मौजूद है। ठीक है, चलिए, ये शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया आपको। चलिए, यहां तक आप उतार लीजिए, फिर मैं बताऊंगा
फिर हम क्या करेंगे, पहला बिंदु लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे पहला, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम बाद में लेंगे, पहले इसकी बात करेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए पहला पॉइंट डालेंगे अपन ए बिंदु और टॉपिक डालेंगे खारे पानी की झीलें। देखिए खारे पानी की झीलें होने का कारण मैंने आपको बता दिया है, तैथिस सागर के अवशेष। देखिए नोट अगर हम डालें तो खारे पानी की झीलों का खारेपन का मुख्य कारण क्या है, तैथिस सागर के अवशेष है। लेकिन मैं आपको बता दूं जहां पर भी खारे पानी की झीलें होती है उसकी अगर जमीन की सतह को देखा जाए, नीचे वाला क्षेत्र, भूमंडल जो हम कह सकते हैं या नीचे के धरातल की स्थिति जो होती है, वहां पर एक प्रकार की चट्टान पाई जाती है। वो चट्टान होती है माइकसिस्ट। ये माइकसिस्ट जो चट्टान होती है उसी की वजह से ये खारापन होता है जो कि इन झीलों के नीचे पाई जाती है ये चट्टान। आगे बात समझ में, इसको हम नोट डाल लेंगे या फिर इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पहला तो खारे पानी झीलों के बारे में लिखना है, क्या लिखना है सुन लीजिए, खारे पानी की झीलों का खारापन होना तैथिस सागर के अवशेष है, ठीक है। इसमें हम नोट डालेंगे इस तरीके से, नोट क्या लिखना है, खारे पानी की झीलें। अब खारे पानी की झीलें कौन सी, चट्टान की वजह से इन झीलों के खारेपन का कारण माइक सिस्ट, ठीक है। माइक सिस्ट एक चट्टान है का होना जो कि इन झीलों के नीचे उपस्थित है, क्लियर। मैंने आपको बता दिया है खारेपन का कारण, खारे पानी की झीलों का खारापन होना तैथिस सागर के अवशेष है पहला। नोट अगर डालें यहां पर तो खारे पानी की झीलों के खारेपन का प्रमुख कारण जो है माइकसिस्ट एक चट्टान है जो कि इन झीलों के नीचे उपस्थित होती है, जिसकी वजह से ये पानी जो होता है वो खारा होता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं खारे पानी की झील जो है वो कौन कौन सी है, एक सारणी के आधार पर इसे हम समझेंगे। हम टॉपिक डालेंगे, क्या डालेंगे, खारे पानी की झीलें। अब उन झीलों के नाम आप लिखेंगे, वो झीलें कौन कौन सी है उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए वो झीलें हैं, एक एक को क्रम से हम देखेंगे, ठीक है, पॉइंट डाल के हम उसको लिखेंगे। झीलें, सबसे पहला बिंदु, देखिए अगर हम बात करें खारे पानी की झीलों के अंदर सबसे पहला नाम जिस झील का आता है वो सांबर झील है। कहां पर है उसकी बात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से। चलिए आप ऐसे करेंगे, एक नई सारणी बनाते हैं, ठीक है, इसको पॉइंट को डाल के अलग सा बिंदु डालेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए टॉपिक डाल लेंगे, सामने लिखा हुआ खारे पानी की झीलें, इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक तो डाल देंगे क्रमशः झील का नाम और डाल देंगे स्थान कहां पर ये मौजूद है। इस तरीके से हम एक सारणी बना लेंगे जिससे आपको याद करने में भी उसको आसानी होगी। पहला पॉइंट डाल लेंगे, सबसे पहले खारे पानी की झील के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है भैया जी सांबर झील। कौन सी झील, सांबर झील, और ये कहां उपस्थित है, जयपुर में मौजूद है, ठीक है। दूसरे नंबर की जो झील है वो है पंचपद्रा। पंचपद्रा जो झील है ये कहां पर मौजूद है, ये झील है बाड़मेर जिले के अंदर, क्लियर, बाड़मेर में ये मौजूद है। तीसरे नंबर की जो झील है वो है डिडवाना। कौन सी झील, डिडवाना। ये डिडवाना झील जो है वो कहां पर मौजूद है, इसकी स्थिति है नागौर डिस्ट्रिक्ट, जहां पर ये मौजूद है, क्लियर। इसके बाद में चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर की झील है डेगाना। डेगाना और ये झील जो है ये भी आपके स्थिति जो है इसकी वो कहां पर है, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये झील पड़ती है, ठीक है। पांचवे नंबर की झील कौन सी है सुन लीजिए, नावा। नावा जो झील है ये झील पड़ती है कहां पर, नागौर में, ठीक है।
ठीक है। मैंने जैसे कि आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि इस खारे पानी की जो झील है सर्वाधिक जो पाई जाती है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जो देखो तीन बिंदु तो आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, छठे नंबर पे जो झील आती है वो झील का नाम है कुचामन। कौन सी झील है? कुचामन, और ये भी नागौर जिले में पाई जाती है, सर्वाधिक हो गया। इसके बाद में सातवें नंबर पर आती है लूणकरणसर, लूणकरणसर, लूणकरणसर। ये जो झील है इसकी स्थिति जो है वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर में ये मौजूद है। ठीक है, सात मैंने आपको बता दी है, 12 प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं। उसी तरीके से हम यहां पर फिर से सारणी बनाएंगे, क्रमशः झीलें और स्थान देख लीजिए। उसी तरीके से हम देखते हैं इसको भी, सात बिंदु के बाद में आठवां बिंदु जो है, ये झील जो है वो कौन सी झील होती है? ये है ताल छापरा झील, और ये चूरू में मौजूद है। ठीक है, ताल छापरा, ठीक है, ताल छापर कह दीजिए, कई जगह ताला छापर इसको हम बोलते हैं, ताला छापर झील कहते हैं। और ये कौन से जिले में मौजूद है? ये है चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, नवे नंबर पे पॉइंट आता है, इसके अंतर्गत जो झील है वो है रेवासा, जो कि सीकर में मौजूद है। ठीक है, रेवासा, और ये कहां पर है? सीकर जिले में मौजूद है। ठीक है, दसवें नंबर पे जो झील है वो है काछोर, ये जो झील है ये कहां पड़ती है? सीकर में, ये भी सीकर में पड़ती है। ठीक है, ठीक है, ग्यारहवें नंबर की जो झील है उस झील का नाम है कावोद, और जो कि कहां पड़ती है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, कावोद, और ये पड़ती है जैसलमेर में। ठीक है, और बारहवें नंबर आखिरी बिंदु जो है वह फलोदी झील, जो कि आपके जोधपुर के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? जोधपुर में, फलोदी जोधपुर। और इस तरीके से आपके प्रमुख खारे पानी की झीलें, कुल खारे पानी की झीलें, जो प्रमुख झील है वो कितनी है? 12 प्रमुख खारे पानी की झील है, और ये हमारे राजस्थान में मौजूद है। सबसे बड़ी जो झील है वो आपके सांभर झील है, आगे बात समझ में। इसीलिए हमको क्या करना है, खारे पानी झीलों के अंदर सबसे पहली झील आज हम पढ़ेंगे वो झील होगी सांभर झील। इस सांभर झील के बारे में पढ़ेंगे, कहां पर ये मौजूद है, कहां कहां से गुजरती, कहां कहां पर उपस्थित है, और कितने क्षेत्र को कवर करती है, कितने किलोमीटर का दायरा इस सांभर झील का है, और यहां पर किस प्रकार से नमक बनाया जाता है उसकी भी प्रक्रिया पर हम बात करेंगे। तो टॉपिक डाल लेंगे सांभर झील, और यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, पहला बिंदु हम देखेंगे खारे पानी की झील का, पहला पॉइंट जो है वो झील है सांभर झील, और ये सांभर झील जो है ये मोस्ट डाल लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको इंपोर्टेंट डालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थिति की, तो मैंने आपको बताया अभी यह खारे पानी की झील जो कि कहां मौजूद है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लिख देंगे पहला पॉइंट है ये, यह खारे पानी की झील जयपुर जिले में स्थित है। तो ये तो भाई स्थिति हो गई कहां पर? सांभर झील मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके निर्माता की, किसने इसका निर्माण किया है, तो दूसरा बिंदु डालेंगे, ये निर्माण करता है इस झील का निर्माता, और इसका निर्माता कौन है? देखिए, इसका निर्माता कौन है? इसका निर्माता जो है वासुदेव चौहान। ठीक है, कौन है? वासुदेव चौहान। और हमें कहां से पता चलता है कि वासुदेव चौहान है? ये हमें बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पता चलता है। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ठीक है, तो आपको यह पता चल गया होगा कि इस झील का निर्माता कौन है। कौन है? वासुदेव चौहान। अब आपको मैं बता दूं, सांभर जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, और देश की तीसरी खारे पानी की झील है। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन है उसकी हम बात कर लेते हैं, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी व देश की
तीसरे नंबर की खारे पानी की झील है। मतलब अगर राजस्थान की बात करें तो सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, लेकिन देश की तीसरे नंबर की। अगर राजस्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर है और देश की बात करें तो तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है, तो बात करें देश में फर्स्ट स्थान पर जो है वो है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। आपको मैं बता दूं ये झील जो है ओडिशा में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? उड़ीसा के अंदर ये उपस्थित है, ठीक है। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड नंबर पे जिस झील का नाम आता है उसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील। और आपको मैं बता दूं ये झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु से, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको कुछ राजस्थान में सांभर की स्थिति और भारत में इसकी क्या स्थिति है उसके बारे में बताया। अब देखिए, अगर मैं बात करूं सांभर झील की, यह एक अंतःस्थलीय भाग पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी मानी जाती है, जिससे बहुत बड़े स्तर पर नमक पैदा किया जाता है। क्या पैदा किया जाता है? नमक। इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। सांभर अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय का मतलब होता है अंदर, ठीक है, स्थल भाग के अंदर भाग पर भारत की, मैं अंतःस्थलीय की बात कर रहा हूं। ऐसे देखा जाए तो प्रथम स्थान पर कौन है? चिल्का झील। सेकंड नंबर पर कौन है? पुलिकट झील। फिर थर्ड नंबर पर राजस्थान का आता है नंबर, जिसके अंदर आती है सांभर झील। लेकिन अगर मैं बात करूं अंतःस्थलीय झील की बात करूं तो सांभर अंतःस्थलीय भाग पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे बात समझ में? चलिए, यहां तक आप उतार लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो इसकी विशेषता हो गई सांभर झील की, कि इस झील जो है वो जयपुर जिले में मौजूद है। इसके निर्माता वासुदेव चौहान जी है, जिसका किसके अनुसार पता चलता है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजस्थान जो है उसमें अगर सांभर की स्थिति देखा जाए तो सबसे बड़ी झील है, पहले नंबर पे आती है। लेकिन देश की स्थिति की बात करें तो तीसरे नंबर पे आती है। तो पहले नंबर पे कौन? चिल्का झील। दूसरे नंबर पे पुलिकट झील। चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु से संबंधित हो गई। सांभर अंतःस्थलीय भाग पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब हम पढ़ेंगे सांभर से नमक उत्पादन की स्थिति, की भारत के अंदर इस सांभर झील से कितना नमक पैदा किया जाता है और किस तरीके से पैदा किया जाता है, कौन सी कंपनियां लिमिटेड जो है वो इस नमक को पैदा करने में लगी हुई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, टॉपिक डालेंगे सांभर से नमक उत्पादन, या लिखेंगे सांभर से नमक उत्पादन। किस तरीके से सांभर से नमक उत्पादित पैदा किया जाता है? तो नमक उत्पादन की स्थिति जो है, नमक का उत्पादन जो है, अगर उसे हम देखा जाए देश के आधार पर या राजस्थान के आधार पर, तो देश का तो 8% नमक उत्पादन सांभर से पैदा होता है, ठीक है। देश का 8% नमक का उत्पादन कौन करता है? सांभर, ठीक है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का लगभग 80-90% राजस्थान में 80-90% नमक का उत्पादन कौन करता है? सांभर। आगे बात समझ में? तो ये नमक का उत्पादन की स्थिति हो गई देश में और राजस्थान में। देश में 8% और राजस्थान में 80-90%। अब पैदा कौन कर रहा है तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सांभर से नमक पैदा करना का काम जो है वो कर रहा है नमक सांभर साल्ट लिमिटेड। मतलब सांभर से नमक सांभर साल्ट लिमिटेड उत्पादित करता है, जो कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं HSL के अधीन है, ठीक है। ये कंपनी का नाम मान लीजिए सांभर नमक, यहां से शुरू होता है नाम। क्या? सांभर जो
कंपनी जो है वो सांभर में काम कर रही है वो इस तरीके से चालू करेंगे, सांभर से नमक, यहां से कंपनी का नाम शुरू होगा, ठीक है, नमक सांभर साल्ट, सांभर साल्ट लिमिटेड उत्पादित करता है, ठीक है। ये तो भैया कंपनी है जो कि ये नमक पैदा करने का काम करता है। अब ये किसके अधीन काम करता है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन, यह है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं एचएसएल के अधीन है। आगे बात समझ में? ये जो कंपनी है वो साल्ट उत्पादित करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए और भी मैं बताऊंगा आपको, सांभर झील जो है आपके रामसर साइट जो 1990 में एक सूचीबद्ध है, जहां पर कुर्जा और राजहंस पक्षी का संरक्षण भी मिलता है। हाल ही सांभर झील के अंदर कुर्जा पक्षी जो है उसकी मृत्यु की चर्चा आपके सामने बनी रही थी, जिसमें 20,000 पक्षी मर गए थे। ये बात है 2019 कोरोना के आसपास ये घटना देखी गई थी, जहां पर कुर्जा पक्षी की मृत्यु हुई थी। और इसके कारण भी कई थे कि वहां पर कई केमिकल मान लीजिए या फिर कोई बीमारी है ना, ऐसे कुछ बैक्टीरिया जिसकी वजह से इन पक्षियों की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके हम बात करेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, यहां तक आप उतार लीजिए। ये इसको किस तरीके एक्सप्लेन करना है, इसको लिखना है सांभर झील, वो नाम बताया कौन सी सूचीबद्ध है, रामसर साइट 1990, ठीक है, रामसर साइट 1990 सूची में लिखिए, में सूचीबद्ध है। आगे बात समझ में? और मैं फिर से बोल रहा हूं कि सांभर झील के अंदर कुर्जा और राजहंस पक्षी को संरक्षण मिलता है, जहां कुर्जा व राजहंस पक्षियों को संरक्षण मिलता है, ठीक है। 2019 में कुर्जा पक्षियों की मृत्यु इस सांभर झील में हुई, जिसमें 20,000 से भी अधिक पक्षी मारे गए। उसका कारण कई कारण हो सकते हैं, जीवाणु केमिकल कुछ भी हो सकता है, वो यहां पर हुआ। अच्छा, सांभर झील के अंदर नमक बनाने की स्थिति में बता देता हूं, सांभर झील से उत्पादित नमक को हम क्या कहते हैं, क्यार कहा जाता है, ठीक है, इसको मेंशन कर लेते हैं, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्या? सांभर झील से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है, सांभर झील से उत्पादित नमक को क्या कहते हैं, क्यार कहते हैं, क्लियर। आगे बात समझ में? और सुनिए, एक छोटा सा डायग्राम से मैं आपको बता दूं वहां की स्थिति क्या है। आपको मैं बताऊं कि जो सांभर है वहां पर नमक किस तरीके से क्यारियों में नमक तैयार किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मान लीजिए ये आपका वो स्थान है जहां पर नमक पैदा किया जाता है, जैसे कि ये तो भैया सांभर झील है, सांभर झील देखो कैसे नमक पैदा होता है, ये सांभर झील है। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं, मतलब ऐसे, तो कम से कम ये 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कितनी है? यहां से यहां तक कितनी किलोमीटर? 3 से 12 किलोमीटर चौड़ाई, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और अगर मैं लंबाई की बात करूं इस तरीके से, तो कम से कम 36 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई, किसकी? सांभर झील की। और जहां पे आपका क्या पैदा होता है, नमक उत्पादित किया जाता है। अब करते क्या है ये लोग,
यहां पे सांबर झील है, तो ये जो भाग दिख रहा है आपको इसमें क्यारिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं क्यारिया, जहां पे नमक के टीले बनाए जाते हैं इस तरीके से, ये टीले बना दिए सब ऐसे, ऐसे टीले बना दिए जाते हैं, समझ में आई बात। अब जो ये आपको दिख रहा है, ये जो टीले दिख रहे हैं इसको तो हम क्या कहते हैं क्यार, क्या कहते हैं क्यार, जैसे लिखा हुआ है ना सांबर झील से उत्पादित नमक को, अब ये उत्पादित नमक हो गया इसे तो हम क्या कहते हैं क्यार, जहां पर ये नमक उत्पादित किया गया, जैसे एक दो तीन चार ब्लॉक बने हुए हैं ना, इसको हम बोलते हैं क्यारियां, क्या बोलते हैं क्यारी, जैसे आप देखते हैं कि साग सब्जियां पैदा करते हैं उसको, उसके अंदर हम ब्लॉक बना देते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक बनाते हैं कि नहीं बनाते, वो क्या होती है क्यारियां बोलते हैं। तो ये जो ब्लॉक बने हुए इसे तो क्यारियां कहते हैं, और जो ये नमक के जो टीले बने हुए इसे हम क्या कहते हैं क्यार, मतलब नमक के क्यार इसलिए कहेंगे क्योंकि सांबर झील के उत्पादित नमक को हम क्यार कहते हैं, जहां पर पैदा करते हैं उसे हम क्यारियां कहते हैं। और नमक बनाने की जो तकनीकी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये नमक बनाने की तकनीकी है, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, यह है नमक बनाने की तकनीकी है, जिसमें क्या होता है कि पानी को स्टोर किया जाता है यहां पर, और फिर सूरज का प्रकाश जब गिरता है तो उस पानी का वाष्पीकरण होता है, तो मीठा पानी तो ऊपर उठ जाता है और जो नमक बचता है उसको इकट्ठा करके और इस तरीके से टीले बना दिए जाते हैं, और इस तरीके से सांभर झील के अंदर नमक तैयार होता है। चौड़ाई लंबाई मैंने बता दी इस झील की, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी और 36 किलोमीटर लंबी, आप देख लीजिए 36 किलोमीटर काफी होती है, तो इस वजह से भी सांभर झील को राजस्थान की पहली और भारत की तीसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है, ठीक है। तो यहीं पर अपना ये सांभर का पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।